दुर्ग शहर विधायक ने थगड़ा बांध पिकनिक स्पॉट का किया निरीक्षण। किड जोन, फूड जोन व बोटिंग की सुविधा जल्द विकसित करने अधिकारियों को 3 माह का दिया निर्देश। दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा ने ठगड़ा बांध पिकनिक स्पॉट का निरीक्षण किया और पेंडिंग कार्य को 3 माह में पूरा करने के निर्देश दिए। शहर विधायक अरुण वोरा के निरीक्षण के दौरान निगम के अधिकारी भी यहां मौजूद रहे, जिन्हें निर्देशित करते हुए शहर विधायक अरुण वोरा ने कहा कि ठगड़ा बांध पिकनिक स्पॉट पर किड्स जोन, फूड जोन सहित बोटिंग की सुविधा भी विकसित करें। उन्होंने वॉकिंग जोन के अलावा गार्डन और पार्किंग स्थल के कार्य तत्काल पूर्ण करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान निगम के अधिकारियों के साथ दुर्ग नगर निगम के एल्डरमैन राजेश शर्मा, पूर्व पार्षद विजेंद्र पटेल व शहर कांग्रेस कमेटी के महामंत्री पप्पू श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। इस संबंध में शहर विधायक अरुण वोरा ने ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। दुर्ग भिलाई के लिए ये बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थान बनने जा रहा है, इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं और लगभग 1.5 वर्ष पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका भूमि पूजन भी किया और 9 माह की अवधि में बन जाना चाहिए था। अभी लगभग 50% कार्य हुआ है। हमने अधिकारियों से कहा है कि इस कार्य को मार्च तक पूरा करें ताकि इसका लाभ दुर्गवासियों को मिल सके। ये बहुत ही अच्छा स्पॉट बनेगा जिसमें किड्स जोन रहेगा, फूड्स जोन रहेगा और नौका विहार होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होगी जो दुर्ग भिलाई वासियों के लिए अनोखी होगी। तो कब तक इसका काम पूरा होना चाहिए? इसमें लगभग 14 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। 7.5 करोड़ का कार्य हो चुका है, शेष जो बचत कार्य है उसको मार्च तक पूरा करने के लिए कहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।